तो हेलो एवरीवन और आज की वीडियो में हम जानेंगे गोल्डन बैरल के बारे में ये एक कैक्टस है जिसका नाम एक साइंटिफिक नेम है इकिनो कैक्टस ग्रुसोनाई और एक काफ़ी खूबसूरत कैक्टस होता है और ये फुटबॉल की तरह गोल होता है इसका एक मैंने छोटा कैक्टस लिया था पिछले साल इसको लगभग तीन साल हो चुके हैं और इसको चार साल ये कैक्टस काफ़ी स्लो ग्रोथ करते हैं अगर मैं हर साल की बात करूं तो थ्री सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से इनकी ग्रोथ होती है और इनकी मैक्सिमम हाइट तीन फीट तक जाती हैं और वाइडली ये दो फीट तक होते हैं ये ज़्यादा भी होते हैं इनको मैच्योर होने में लगभग पाँच साल का समय लगता है ताकि ये जो उनके फ्लावर्स है वो आने के लिए अभी तो ये काफ़ी छोटा कैक्टस है आप अगर देखें तो एक महीने मिट्टी के गमले में इसे लगाया है और इसे प्रोपोगेट करना दो तरीक़ों से हम इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं या तो या तो इसमें जो क्लम्प्स आते हैं उनसे और जो सीड्स होते हैं मेन प्रोपोगेशन तो सीड्स से ही होता है क्योंकि इनमें नेचुरली पब्स नहीं आते जब आप क्लम्पिंग करते हो क्लम्पिंग के बारे में बताता हूँ नेचुरल मतलब नेचुरली तो सीड्स से ही होते हैं तो क्लम्पिंग करने के लिए हम क्या करते हैं अगर आपके पास ऐसे कोई कैक्टसेस हो जो एक से ज़्यादा हो तो आप क्या करें इस तरह से जहाँ मैंने यहाँ पे घाव दिया है ऐसे घाव लगाएं दो चार ही लगाएं और जो यहाँ के जो ये स्पाइन्स हैं इन स्पाइंस के आसपास किसी ऐसे धार धार चीज से आपके पास अगर कैची हो चाकू हो तो वहां से इसे इस तरह से डैमेज करे डैमेज इन सेंस ऑफ थोड़े से घाव दे आप अगर कैमरा में दिख रहा हो तो ये मैंने यहाँ पे घाव दिया है और यहाँ पे एक कर, बात का बात का ध्यान रखें कि ये आ, पानी के कांटेक्ट में ना आए ज़्यादा पानी देते वक्त इन इस चीज़ का ध्यान रखें ये ऐसे कैक्टस है जहाँ आप इसे जो फुल सनलाइट है वहाँ रख सकते हैं या पार्शियली सनलाइट में भी रख सकते हैं अगर इसका साइज छोटा हो जैसे इसका है तो इसे आप पार्शियली सनलाइट में रखें अगर आपने इसको फुल सनलाइट में रखा तो जैसे यहाँ पे बर्न हो चुका है आप नीचे से देख सकते हैं ऐसे बर्न हो जाएगा और ये ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखेगा आप ऐसा ना करें आप जब तक ये अच्छा खासा बड़ा नहीं हो जाता जस्ट लाइक like ये है मैं इसको फुल सनलाइट में भी रखूँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती बट इसको वैसा ना करें अगर आपके पास छोटे छोटे हो अगर आपके पास सीड्स हो आपने ऑनलाइन ख़रीद के कुछ लगाए हो कहीं से भी तो उसे आप पार्शली सनलाइट में ही रखें फुल सनलाइट में छोटे कैक्टस को ना रखें इसके अलावा इसकी जो सॉइल है अगर हम इसकी सॉइल की बात करें मैंने थोड़ा सा खाद भी डाला है सॉइल काफ़ी वेल ड्रेन होनी चाहिए अगर आपने यहाँ पे पानी डाला तो जल्द से जल्द जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो यहाँ से निकल जाना चाहिए वैसे मैं इन्हें मिट्टी का भी लिया है यहाँ पे मैंने ड्रेन होने के लिए जो ईट होती है जैसे यहाँ पे एक ईट है इसको क्रश किया है थोड़ी सी मिट्टी डाली है थोड़ा सा रेत ली है और थोड़ा सा मैंने मेरे पास कुछ पत्तियाँ थी जो मैंने जैसे वो पेड़ है पिछले साल जो उसकी पत्तियाँ बची थी उनको क्रश किया था मैंने और वो क्रश वाली जो पत्तियाँ हैं वो ऐसे गमलों के नीचे डाली थी ताकि एक लॉन्ग टर्म में एक खाद अच्छा बना रहे और इनकी हेल्थ के लिए हेल्थ मतलब ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो तो और एक बात है कि ये टॉक्सिक नहीं है ज़्यादा इसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ना करें मतलब ये ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएशन बर्दाश्त नहीं करता दूसरी बात यह कि इसकी जो एज है वो तीस साल तक होती है उससे ज़्यादा भी होता है बट एक एवरेजली थर्टी इयर्स तक ये अच्छे से सर्वाई करता है आ, बढ़ता रहता है और काफ़ी खूबसूरत दिखता है अगर मैं मैं यहाँ पे आप गूगल पे कहीं सर्च करूँ इसकी फ़ोटोज़ आपको दिखेगा कि, कि कितने बड़े बड़े और कितने खूबसूरत होते हैं इसके अलावा इसकी जो कॉस्ट है अगर ये मैं इस कैक्टस की बात करूँ इससे थोड़ा सा पिछले साल जब छोटा था तो मैंने इसे दो में लाया था और ये वाला मैंने पाँच सौ रुपये का लाया था तो कहना ये चाहता हूँ कि ये कॉस्टली काफ़ी होते हैं अगर इसकी साइज़ की बात करें साइज़ के हिसाब से इसकी कॉस्ट बढ़ती रहती है और लोग इसको क्यों पसंद करते हैं ऐसा क्या होता है कैक्टस में कि लोग इसे रखना चाहते हैं रिलीजनिस्टिक जो धारणा है उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा काटे वाले जो पौधे होते हैं वो घर में ना लगाए करके कुछ मान्यताएं हैं बट मैं उस पर ना जाके अगर मैं इनकी खूबसूरती की बात करूं तो ये जो स्पाइन से आप देख सकते हैं इनका पैटर्न देखिए और इस तरह के कैक्टस अगर आप घर में लगाते हैं तो इसका जो स्पाइन्स का एक अट्रैक्शन होता है कि कितना मतलब ये जो पैटर्न है इसके वजह से इसे आट्रे, और अट्रैक्ट बनाता ही अट्रैक्टिव बनाता है, है। दूसरा है इसका शेप और इनमें पत्तियाँ बिल्कुल नहीं होती और पत्तियां नहीं होने के बावजूद भी ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है अपने ही स्टेम से इसकी स्टेम और पत्तियां यही है जो कंप्लीट होता है इसको और एक बात है कि मतलब आप केयर ना भी करो तो भी ये ग्रो होता रहता है आप अगर आप एक दो महीने पानी ना भी दो तो ऐसा नहीं होगा कि ये मर जाएगा जैसे हमारे जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उनको अगर आप पानी ना दो तो वो नहीं लगते हैं बट ये ऐसा नहीं है और इसका शेप अगर कहे तो ये राउंड शेप में ही एक फ़ुटबॉल की तरह ही ग्रो करता है और इसकी और एक बात है कि ये सबसे ज़्यादा मतलब अगर आज की बात करें तो इसे जंगलों में जहाँ जहाँ ये रेगिस्तानी एक डेज़र्ट प्लांट की तरह इसे देखा जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड करता है बट ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं और इनमें पानी स्टोर करने की भी क्षमता ज़्यादा होती है कंपेयर टू तो हमारे सिंपल जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं इनका सर्वाइवल रेट काफ़ी अच्छा होता है इजी टू केयर कह सकते हैं या लेस केयरिंग कह सकते हैं और इनमें जो फूल मतलब फ्लावर्स होते हैं ब्लॉसम होता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है इसकी अगर आप फ्लावर्स देखें कभी इसके अपडेट तो मैं दे देता रहूँगा बट अगर आप यूट्यूब पे या कहीं गूगल पे सर्च करो कि गोल्डन बैरल ब्लॉसम करके तो आपको इसकी जो फ्लावर्स हैं वो आपको दिख जाएंगे कितने खूबसूरत होते हैं एक रोज़ के प्लांट से ज़्यादा फ्लावर्स इसमें आते हैं और इसकी सीड्स काफ़ी महंगी होती है मैंने चेक किया था अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे। तीस सीड इस प्लांट की सिर्फ तीस सीड मुझे चार सौ रुपये में पड़ रही है मतलब काफ़ी महंगी है क्योंकि एक महंगा प्लांट है लोग इसके लिए भी इसे घर में रखते हैं और छोटे छोटे गमलों में ही अब लगा के भी आप इसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं इसके लिए बहुत बड़ा गमला रखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ऐसी मिट्टी खाद इसकी ज़रूरत नहीं है और आपके घर में अगर ये हो तो आपको एक रिचनेस की फील आती है क्योंकि ये गांव में आप अगर जाओ तो हर किसी के घर में कैक्टस नहीं होते बट अमीनों के घर में आपको ये ज़रूर दिखेंगे क्योंकि ये महंगी भी बहुत होती है आप नर्सरी विज़िट करो अपने आसपास की आपको इससे इसके प्राइजेस भी पता चल जाएंगे मैंने तो दो सौ रुपये काफ़ी कम बताए हैं इस तरह के साइज़ के कैक्टस काफ़ी मतलब हज़ार रुपये तक भी आते हैं आप ऑनलाइन भी सर्च करो आपको महंगे ही मिलेंगे और ये हैं ओवरऑल इसकी बातें ज़्यादा इसमें केयर करने की ज़रूरत नहीं होती तो ऐसे कोई केयरिंग टिप्स बताने की नीड नहीं है हालांकि इससे आप एक ग्रीन हाउस टाइप एनवायरनमेंट में रखे तो ये जल्दी ग्रो होता है कंपेयर टू अगर आप ड्राई प्लेस में रखते हो तो हालांकि इसको ड्राई प्लेस अच्छा लगता है बट मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है दोनों कंडीशन में रखते हुए तो मुझे मैंने ये पाया है कि जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट है उसमें ये ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है अगर आपके और कुछ इसमें डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और एक बात है अगर आपको इसके और डेटा जानना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दूंगा जो इसके रिसर्च पेपर्स होंगे वो आप ज़रूर रेफर कीजिए और पढ़िए उसमें ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज होगी जो मैंने वीडियो में उतना कवर नहीं कर सकता पर आप रीड करिए मतलब जो भी डेटा है उसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा कंपेयर टू तो किसी भी यूट्यूब वीडियो से मैंने भी वही पढ़े वही से पढ़ा है इसके बारे में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जानने के लिए थैंक यू सो मच